नमस्कार मत को स्वागत करीमा बालेश्वर चांदीपुर डीआरडीओ गुरुत्वपूर्ण तथ्य लीक मामला गिरफ पांच अभियुक्त गुप्तचर को कटक रे स्वतंत्र टीम रो जेरा आरंभ मुख्य अभियुक्त बसंत बेहरा को जेरा करछी पांच जणिया टीम एडीजी संजीव पंडा तत्वावधान चली क्राइमब्रांच जेरा अभियुक्त मैंने क्यों घटन तथ्य प्रकट करते जेरा पर स्पष्ट हो तेरे आउ दुईज अभियुक्त संप्रति सन्देह से नहीं छानबीन चली दुई नुहे जदि आम बर्तमान देखा जहाँ ताजा खबर रही कि चारिज अनुप्रवेशकारी जो मैंने रही बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी से पाकिस्तान लिंक रही नहीं चर्चा होतीपाई चारिज को क्राइमब्रांच उठाई नहीं चर्चा होते जो क्राइमब्रांच तार पचराउचर आरंभ करते हनीट्राप कर महिला जनक किए तथ्य बदल एकाउंट्रु के टा आसूला एसबू प्रश्न करें क्राइमब्रांच कि पूर्व जदि आम देखा गुरुत्वपूर्ण कथा होते ईश्वर बेहरा कथ आसुच्चे पुलिस तदंत विफलता कथा सामना को आसान जदि चांदीपुर आईटीआर छः वर्ष तेज़ जो अभियुक्त रही है तथ्य लिक घटन पाकिस्तानी गुइंदा संस्था आईएसआईएस एजेंट द्वारा मैंने जो हैंडलर रही सहित मत तार लिंक थी कौटना कौटी पुलिस पाखे प्रमाण थी कि कौन सी जेहेतु कौन सी दृढ़ पदक्षेप निगला से हुए तो पुणी छः वर्ष पर आउ थे ये घटनार पुनरावृत्ति होता चर्चा होबे एने आलोचना तदंत ना पुलिस फास्ट तेणु पुलिस जो तदंत करुच्छे तेणु प्रकृत घटना सामना को आसब तो कौली भाव में कौ परिस्थिति रे तथ्य लिक् तथ्य लिक् किए करुच्छे कारण ये पांच अभियुक्त कथा सामना को आसी जहाँ को क्राइमब्रांच उठे नहीं किए ना एसी ऑपरेटर बा किए गेट्रे काम करता तेणु एम को डीआरडीओ एत गुप्त तथ्य केमी मिलूला ताले जो गुप्त तथ्य एम को आउ किए दे ना तो ताले से गुप्त तथ्य आउ जो जो जड़े किए देता सेटा बड़ प्रश्न कारण आ भितर कौन सी अफिसर को संप्रति रही कि जड़े कारण जहाँ सूचना रही कि जड़े परमानेंट कर्मचारी जी रही स्थायी जी निजुक्ति प्राप्त जड़े कर्मचारी संप्रति रही कारण से जड़े ड्राइवर तेणु तथ्य लिक् होता आशा करा तेणु केवल ये तलस्तर कर्मचारी को फसाई दि जाऊँगी प्रकृत से अभोग कर प्रकृति आहरी कौन बड़ अधिकारी संप्रति रही तो बड़ प्रश्न हो डीआरडीओ जो जगह रही चांदीपुर आखपाख जदि आम देखा तेल से बांग्लादेश अनुप्रवेशकारी रोचे तेणु डीआरडीओ अनेक तथ्य मत से लिक् होता सन्देह उपजे तेणु विभिन्न प्रसंग सामना को आसूस आलोचना करवा संपर्क में आलोचना करने आम से रे प्रतिनिधि संजय महालिक बालेश्वर इमरान खान रही आम प्रतिनिधि कटक्रु आम सहित फोन में जोड़े पूर्वतन पुलिस अधिकारी सूर्यमणि त्रिपाठी संजय प्रथम आपण पाखु जीवा चाहिए देखो तथ्य लिक् संजय सहित आम परवर्त मुहूर्त जोजोग करवा तेज आप पुणे घटनाटी कही रखुची कि जितेबाला ईश्वर बेहरा कथा जब प्रथम आलोचना करवा चांदीपुर आईटीआर छः वर्ष तले जितने गिरफ होता पाकिस्तानी गुइंदा संस्था आईएसआई एजेंट ईश्वर बेहरा जना पड़ा से पाकिस्तान हैंडलर निकट में भी पुलिस पहुंची पारे कारण कोलकाता अनेक थर ईश्वर जा पुलिस पाखे खबर रही अकाउंट को जदि आम देखा अनेक जगार आबुधाबी मुंबई आंध्र प्रदेश बिहार मीरठ्रु निकट इंटरनेट बैंकिंग जगे टंका आसूला तेणु खाली जदि ओडिशा कथा कहता नुहे अर्थात पाकिस्तानी हैंडलर देशर अनेक राज्य सक्रिय थे एक सामना को आसला तेणु कौटना कौटि जो देशर सार्वभौमत देशर सुरक्षा प्रति प्रश्न उठू यह एक गुरुतर घटना आम सहित जोड़ी वर्तमान संजय मालिक संजय वर्तमान तो देखो तो पांच अभियुक्त को तो क्राइमब्रांच उठाई आनी पचराउचरा करने कटक मुख्यालय को कितु सेपट जदि देखा चारि बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी क्राइमब्रांच टार्गेट से माने रही कारण इन तथ्य लिक् कर कौन से संप्रति रही सन्देह करपटे जदि आम देखा कि ईश्वर बेहरा जो लिंक रही पाकिस्तानी हैंडलर जो लिंक रही ए पर्यंत पुलिस से पहुंची पारे तेणु कौटना कौटि छः वर्ष पूर्वर घटना पुणी थे पुनरावृत्ति हो निश्चित भाव नीलिमा देखु ईश्वर बेहरा जो घटना थिला जो प्रकार ताकू भी ट्राप करा जाए विभिन्न समय ता समान घटना जो आसला सी विभिन्न तथ्य पठाऊला पाकिस्तान गुइंदा एजेंट को पाखक प्रति बदल मिलूला पुला पुला टंका विभिन्न प्रकार जो प्रतिश्रुति दूसरे जो विभिन्न प्रकार टंका पठाऊ तेब से ही सामान घटना पुणी छः वर्ष पर देखा मिली अर्थात जो छः वर्ष पूर्व जो भाव में गोटे राज्य आलोड़न सृष्टि करर्चार
केन्द्रबिंदु पाल्टिथिला ईश्वर बेहरा कथा और डीआरडीओ तथ्य चोरी कथा तापर पुलिस और जांच प्रक्रिया जो विभिन्न चलता कि असफल हो जो प्रकृतर जी दोषी रही पाखे पुलिस पहुँचवे कौटि ना कौटी विफल होता तेज बर्तमान से ही छः वर्ष पर पुणी सामान घटना घटी और जो पाकिस्तान आईएसआई एजेंट कथा कहतु से माने से ही जो तो अनुसरण कर ठीक से ही भाव में आउ चार ठिका कर्मचारी को टार्गेट करूँ सब बड़ कथा हूँ ये ठिका कर्मचारी समेत आउ जड़े जे रही स्थायी कर्मचारी को ट्रैप कर टंका प्रलोभन देखाई युवती अश्लील वीडियो चैट ता सहित विभिन्न प्रकार टंका नेणदेण कथा ये विभिन्न प्रकार सब प्रलोभन देखाई पाखु गुरुत्वपूर्ण तथ्य जो भारत प्रतिरक्षा दायित्व थिबा चांदीपुर क्षेपणास्त्र घाटी कहु भारत एक सर्वबृहत प्रतिष्ठान और जहाँ को लेकिन भारत सुरक्षा दायित्व में नियोजित थी प्रतिष्ठान गुरुत्वपूर्ण तथ्य पृथ्वी और अग्नि भली क्षेपणास्त्र जो तथ्य रही निश्चित भाव कौटि ना कौटी बर्तमान चिंतार चिंताजनक विषय पलटि देखूँ जो गुईंदा जो आईएसआई एजेंट जो गुईंदा विगत दिन मानक जो करें से ही घटना को पुणी दोहर अर्थात से मैंने बांग्लादेशी मध्यम एम पाखे पहुंची बांग्लादेशी जो शरणार्थी रही डीआरडीओ चांदीपुर क्षेत्र में जो लगिक किसी शरणार्थी मैंने रही शरणार्थी को अपने मध्यम पाखे पहुंची अकाउंट को टंका आसूला से पाखे पहुंचाई ठीक समय सामान घटना ईश्वर बेहरा भाव में कम कर जो मैंने स्थायी कर्मचारी भी रही अनुप्रवेशकारी सहित लिंक अनुप्रवेशकारी पाकिस्तानी एजेंट सहित लिंक तेणु यहाँ गोटे त्रिकोणीय लिंक कहीपर कि निश्चित भाव नीलमा कारण देखूँ जो विस्तीर्ण बेलाभूमि रही बालेश्वर निकट रू आरंभ करी आपड़ भद्रक पर्यंत जो विस्तीर्ण बेलाभूमि रही सेठारे जो विभिन्न प्रकार जो आम डीआरडीओ चांदीपुर क्षेत्र रही जो टेस्ट रेंज रही सेगुड़िक प्रवेश निषेध कर बेले कौन सी लोक को सेठार बारण कराऊना अबाध भाव में प्रवेश करपर जो डीआरडीओ को लगिक जो अंचल रही डीआरडीओ पाखे जो बांग्लादेशी शरणार्थी मैंने रही प्रत्येक घटन नजर रखुंत किए न कहीपर जे प्रत्येक जो क्षेपणास्त्र चांदीपुर जो परीक्षण होने नजर रखुवे और जो जो समुद्र पथ रही समुद्र पथर कड़ाकड़ी सुरक्षा ना जो से बाहर देश जो आईएसआई एजेंट मैंने आसुंच आम देश को आसथ्य नौकर बाहर देश प्रकट होेहेतु विस्तीर्ण बेलाभूमि रही सेठकर सुरक्षा कड़ाकड़ी ना डीआरडीओ जो बेलाभूमि जो टेस्ट रेंज रही सुरक्षा देखा देश प्रतिरक्षा जो गोटे क्षेत्र अति गुरुत्वपूर्ण क्षेत्र सेठू जदि तथ्य लिक हो खास करी लिंक रुचि पाकिस्तानी आईएसआई संस्थार एजेंट मानक निहा एक चिंताजनक कथा इमरान आम सहित रही कि पूर्व आम सहित फोन लाइन में जोड़ पूर्वतन पुलिस अधिकारी सूर्यमणि त्रिपाठी सो त्रिपाठी आपको स्वागत कर आलोचना को सो त्रिपाठी कहु कि छ वर्ष पूर्वे ईश्वर बेहरा केस जितेबाला पाकिस्तानी हैंडलर मान सहित तार लिंक थी कथा सामना को आसला से पुलिस से पाकिस्तानी हैंडलर पाखे पहुंची पारा ना जो एक क्षेत्र प्रस्तुति होता विफलता विफलतार क्षेत्र प्रस्तुति होता जो छ वर्ष पर पुणि थे आउ एक घटना सामना को आई पांच अभियुक्त को बर्तमान क्राइम ब्रांच उठे नहीं तो कोर्ट ना कोटी पुलिस विफलता ये आसूची कि जदि से पहुंची पारे पाकिस्तानी हैंडलर पाखे कारण से संपूर्ण तथ्य रही है केते थर से कोलकाता जाइए कौटू कौटू टंका आसूला पुलिस पाखे सब तथ्य रही है नहीं पुलिस पाखे सब तथ्य थिले से पाकिस्तानी हैंडलर पाखे पहुंची पारा नहीं केमी पुलिस पाखे सब प्रकार तथ्य नथिला पाकिस्तानी हैंडलर माने जो माने प्रकृतर हैंडलर से माने निजे कलिकता को आसिक ईश्वर बेहरा को टंका दे नथिले तांकर सब शैडो हैंडलर था जो मान को आपण धरले किसी पाइबे नहीं जान न था तेणु सी सब गहन कथा मुझे आलोचना करने को चाहूनी आलोचना कले से आपंकर सिक्रेसी उपरे कथा आसीब पुलिस से जहाँ करवा कथा ठीक कर पुलिस जदि ठीक करी कार्य न करता ईश्वर बेहरा को जवज्जीवन कारादंड न था तेणु आम कहारी दोष को आलोचना न करी ये घटना केमी है कौन हवा उचित
से आलोचना तो निश्चित भाव शीत त्रिपाठी प्रिकॉशन तो निहाति भाव मस्ट कारण देखो घटना थरे नुहे बारंबार घटुची तेणु से कथ उठू गुंदे विभाग से कथ उठू से पुलिस आपणकर जदि किसी धारणा थी चांदीपुर जो क्षेपणास्त्र घाटी उपरे क्षेपणास्त्र घाटी भितर पुलिस किसी करिवार न था सेटी तांकर सब प्रकार व्यवस्था से माने बुझंती जो केंद्रीय संस्था सी से माने सब बुझंती मिलिट्री व्यवस्था डीआरडीओ रो गोटे ऑफिस ता भीतर अछि आउ गोटे अछि क्षेपणास्त्र जो खाली सेटी गोलाबार तो परीक्षा हुए परीक्षा व्यतीत तो सेटी आउ किछि हुए नि ए जो परीक्षा घाटी भीतर जहां जेते बेले हुए सेतिपाई मिलिटरी ऑफिसर माने ताकु दायित्व लेकर संपादन करंती बेले बेले डोको दरकार पड़े जो ऑपरेटर जो मानको से बाहर हायर करंती टेम्पररी ठिका श्रमिक से ठिका श्रमिक माने बाहर को न आसीबा पर्यंत पुलिस रो से मानको ऊपर किछि करिवार नाही जड़े ठिका श्रमिक बाहर को आसिले से तो साधारण भाव में गतायत कर पुलिस जानव कमी पुलिस जानव जत कि सूचना पुलिस पाखे आसी पहुंचे से त्रिपाठी आपंती कहते कि जोटी क्षेपणास्त्र परीक्षण हुए जमी आप कहले कि ठीक अच्छे गुड़ गुला बारूद जो जो जगार से भितर फटो यही जो आसी फटो सेयार कर जो परीक्षण घाटी ताले जो मैंने जो ठिका कर्मचारी को निजुक्ति दि जाऊँ से कम करने बाहर को आसने से तथ्य लिक हमार संभावना जदि रही है से क्षेत्र में कौन करार आवश्यकता रही जमीक कौन सी तथ्य बाहर को पदा को आसब ना से क्षेत्र में ठिका कर्मचारी मानू निजुक्ति दबा गोटे असंगत कार्य आपणकर जदि निजर कर्मचारी मैंने रे जथेष तालीम दिजिव से मैंने भितर रे सेटी क्वार्टर दिजिव से बाहरी पारे नहीं किसी दिन पर बदली कर दिजिव ताहले से प्रकार सूचना बाहर को आसबनि किंतु ठिका कर्मचारी मानू आप लक्षे टा दरमा पाथे आप जे से कम कर दस हजार टाइम दरमा पाथ्व से पुणी ठिका कर्मचारी टाकी चाकरी किसी ग्यारंटी नार तो हुए तो प्रलोभन ता मन भितर सृष्टि हम अधिक अर्थ पे तेणु से केत रकम कथा से कितु से बारंबार कहगले भी सुधा से मैंने ठिका कर्मचारी रखा को बाध्य हो ता सहित शीत त्रिपाठी अनुप्रवेशकारी भी चिंता बढ़ाऊँच कारण देखो यही घटना रे चलित थर डीआरडीओ जो तथ्य लिक घटना रे वर्तमान चारि अनुप्रवेशकारी को वर्तमान क्राइम ब्रांच मैंने टार्गेट रही से लिंक यही सहित रही कथा जहाँ चर्चा होती अनुप्रवेशकारी आप हिसाब कले पारादीप आरंभ कर दीघा पर्यंत अनेक अनुप्रवेशकारी ये देशरे अनुप्रवेशकारी मानू हटेबा केवल गोटे राजनैतिक इच्छा शक्ति ऊपर निर्भर करे तेणु से पुलिस की केवल दायी कले समस्या अनुप्रवेशकारी समाधान कौन शीत त्रिपाठी कारण देखो तो देशर प्रतिरक्षार विषय जो तथ्य लिक हूँ लिंक रही अनुप्रवेश बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी सहित निहाती भाव तो चिंता बढ़ाऊँ देशर सुरक्षा पाई निश्चय आप सहित एकमत ये गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा ये बांग्लादेश रु जो अनुप्रवेश बालेश्वर प्रवेश कर कौन पुलिस बंद कर दे पार पुलिस पुलिस तो अनुप्रवेशकारी को रोकी पारे किंतु ये जो एमान को जो लिंक रोचे मानको सहित एवं खासकर प्रतिरक्षा क्षेत्र पर जो माने विपद सृष्टि करछंती ताले किछि तो गोटे नियमर आवश्यकता रही कारण देखो विवाद को तो आम कहे अनेक सीए प्रसंग को नहीं पर्यटन से कौन से प्रकार समाधान नहीं पानी जहाँ को नहीं बद उपजी ये अनुप्रवेश कथा जितने सामना को आसूँ कितु बालेश्वर बारंबार एमती जो सरी क्षमा कर चांदीपुर घाटी बारंबार एमती तथ्य लिक हवा घटना गोटे चिंता बढ़ोनी कि समस्त तो प्रथम गोटे घटना है आगुर आगुर जो घटना
ସିଏ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ନଥିଲା। ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଇଛି ଏଇଥର। ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନ କରିଛନ୍ତି ତାର ଫଳାଫଳ ତଦନ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଫଳ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଦୋଷଯୁକ୍ତ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ଦେଖିବାର କଥା ଯେଉଁ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଏମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ ରହିଛି ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟିରୁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଆଗକୁ ଏଇଟା କେଉଁ ମଡ଼େଲ ଅଛି, ତ ତ୍ରିପାଠୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଏଇଠି ଅଟକେଇବେ। ଆମ ସାଥିରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ, ପାଞ୍ଚ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ଯିଏ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଣିଛି ଏବଂ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ମିଳିପାରୁଛି? କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁପ୍ତ କଥା, କାରଣ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରତି ବା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଞ୍ଚ ଆସିବ, ତେଣୁ ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଅତି ଗୋପନୀୟ କଥା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜେରା କରିଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଜେରା କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳିମା, ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣିକି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜେରା କରୁଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ସେମାନେ ଆସିକି କଟକ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଚାରି ଜଣ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ବା ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାତଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେରା କରୁଛି। ଯେହେତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗଠନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଟିମ୍ରେ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଡିସନାଲ ଏସ୍ପି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତ ବା ଜେରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଜେରା ସମୟରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଛି ତାହା ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଅନେକ ମୋଡ଼, ଅନେକ ରୋଚକ ମୋଡ଼ ବା ଅନେକ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ଯେହେତୁ ଆଇଟିଆର୍ର ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ରୁ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଥିଲା, ତ ଫୋନ୍ରେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ତଥ୍ୟ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ସେ କାହାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ସେ କାହାକୁ ଡିଆର୍ଡିଓର ତଥ୍ୟ ସେମାନେ ପଠାଉଥିଲେ, ଖାସ୍ କରିକି ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ ମିଜାଇଲ୍ ହୋଇଥିଲା ତା'ର ତଥ୍ୟ ସେମାନେ କାହାକୁ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଖବର ମିଳିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଲା ସେମାନେ ହନି ଟ୍ରାପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଆଇଏସ୍ଆଇକୁ ସେମାନେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଉଥିଲେ, ତ ଏହାରି ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଡିଆର୍ଡିଓର ଏହି ଚାରି ଜଣ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ଏ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଏ କିଏ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଡିଆର୍ଡିଓ ଭିତରେ, ଏବଂ ଚାନ୍ଦିପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସୁଥିଲା ବୋଲି ଯାହାକି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ସନ୍ଦେହ ଗୋଟେ ପାଇଛି ଆଉ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏ ସବୁକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଧାର କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେରା କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଯୋଗେ ସେମାନେ କାହାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ମୋବାଇଲର ସମ୍ପୃକ୍ତ ନେଟୱାର୍କ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ସେ ମୋବାଇଲର ସିମ୍ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନେଟୱାର୍କ କମ୍ପାନୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ କାହା କାହାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ଯେଉଁ ଡିଆର୍ଡିଓ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କି କି ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କିଏ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ସେମାନେ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମସ୍ ମିଜାଇଲ୍ ରହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଘଟ କରିଥିଲେ ନା ଆହୁରି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯୋଗାଉଥିଲେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା, କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଉଥିଲା, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ରହୁଥିଲା ବୋଲି, ତ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପରିଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଇଛି, ଯାହାକି ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ତ ଏ ସବୁକୁ ଆଧାର କୋର୍ଟ ନା କୋର୍ଟ କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ସବୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ତର୍ଜମା କରୁଛି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଜେରା କରୁଛି, ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ କୋର୍ଟ ନା କୋର୍ଟ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସାତ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଅନେକ ରୋଚକ ମୋଡ଼ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ, ଏବଂ କୋର୍ଟ ନା କୋର୍ଟ ସେ ସହଯୋଗ କରିବ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏନ୍ଆଇଏର ତଦନ୍ତ ଏନ୍ଆଇଏର ମଧ୍ୟ ନଜର ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି, ଏବଂ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏନ୍ଆଇଏ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଜେରା କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁ ଧରାପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସଚିନ କୁମାର, ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରେ, କାହିଁକିନା ସେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଲୁଚାଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେହେତୁ ସେ ପାଞ୍ଚରୁ ସାତ ବର୍ଷ ହେବ ସେ ସେଠାକାର କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଅନେକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରିଥିଲେ, ଅନେକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲ୍ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ସେ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ସେମାନେ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ସେ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ତ ଏ ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରିକି ପ୍ରକୃତରେ ସେ କାହା କାହାକୁ ସେ ତଥ୍ୟ ସବୁ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁ କ'ଣ କ'ଣ କଥା ହେଉଥିଲେ ସେ କଥାଗୁଡ଼ାକୁ ସେ କେମିତି ଆଧାର କରିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍କୁ ସେ ପଠାଉଥିଲେ ଏ ସବୁକୁ କେଉଁଟା କେଉଁଠି ଆଧାର ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଏବଂ ତାହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ନିର୍ମା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଲିପର୍ସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାକିସ୍ତାନର ଆଇଏସ୍ଆଇର ଯେଉଁମାନେ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଜାଣିଥିବେ ସହଜରେ ସ୍ଲିପର୍ ସେଲ୍କୁ ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ସ୍ଲିପର୍ ସେଲ୍ ମାନେ କି ଧରା ପଡ଼ିଲେ ତାହେଲେ
जना पड़िबने स्पष्ट भाबरे से माने एका द्वारा से माने प्रभावित होचेंती एवं एका आकाश तो संपर्क से माने छेंती किंतु से माने को जो काम रहूची जा आउरी गोटे कथा सामने को जे पैसा कथा मते जतो सामने को आस्थला जे प्रकृत रे मन के पक्ष को पैसा के पठतला जेतु ये चार जना ठिका कर्मचारी कर बैंक अकाउंट कोनसे पैसा आसनतला किंतु जो स्लिपर्स से माने धरा पडचेंती वर्तमान बालेश्वर चांदीपुर अछंती जाको संदेह वर्तमान करिची पुलिस तदंत क्राइम ब्रांच एवं एनआईए तो ये से जो स्लिपर्स से मानको वर्तमान कोटे कोटे खोजा खोजी चलची से मानको पाखरे प्रकृत रे हैंडलर संपर्क कोन थिला से माने किबडी भाबरे पैसा कारबार मध्ये होतला पाकिस्तान पैसा मध्ये पठतला ता भी मध्ये चर्चा होची ये सब को कोटे कोटे वर्तमान खोराक जगैची जे सब रो लिंक क्यों जाय लंबी छे प्रकृत रे चांदीपुर बालेश्वर सीमित थिला ना उत्तर प्रदेश रो लिंक रे मन थिला ना एमन को कोलकाता लिंक थिला ना एमन को आउरी की होचेंती हैंडलर जो माने एमन को हैंडल करथले प्रकृत रे माने गोपनीय तथ्य से मन को जगौथले आपण जानथिबे जेते बडे ईश्वर बेहरा धरा पडथला ईश्वर बेहरा जेतु सब तथ्य प्रमाण कोलकाता नेकी जाउथला एवं से पेन ड्राइव रे सब किछि गुरुत्वपूर्ण तथ्य गुरुत्वपूर्ण फोटो वीडियो सब पेन ड्राइव जोगे सब नेकी से सीधा सडक जाउथला कोलकाता एवं सेठी से जाके प्रदान करथला एवं टंका मध्ये नउथला जाकी परवर्ती अवस्था से धरा पडथला एवं जेतु से वर्तमान जेल अछि तो यारी भितरे ए जो वर्तमान धरा पडचेंती पांच जना एमानको भितरे कोटा कोटी आउरी की अछेंती एमानको संपर्क रे तांको वर्तमान धरिबार सबटु बड चैलेंज रहछि क्राइम ब्रांच सामने जे केवल सचिन ना सचिन को पछिरि भी आ कोनसी बड मुंड रहिछि एटा भी बड प्रश्न कारण जने ड्राइवर ठीक अछि जेमति आपण कहिले कि गला आइला बले अनेक अधिकारी को कथा से सुनुथिले एबो ताको कॉल रिकॉर्ड करथिले गुप्त तथ्य देउथिले कारण अनेक ऑफिसर को कांटेक्ट से रहिथिले किंतु कथा उठुछि एमाने कोनो सक्षम डीआरटीओ रो एते गंभीर सुरक्षा को बेदी तार तथ्य को चोरी करबा एबो ताको बाहर प्रकट करबा एटा कोनो एते संभव कि सुति त्रिपाठी आपण को ए बाबत रे कोन मत रहिबो कि जो ड्राइवर सचिन को क्राइम ब्रांच दैछि से बा ए जो चारि ठिका कर्मचारी एमाने कोनो एति कि सक्षम कि डीआरडीओ रो जोटा कि मिलिटरी फोर्स अंडर रे रहूची सुरक्षा एते कड़ाकड़ी सुरक्षा बल को भेदी एमाने तथ्य चोरी करी परिबे बो बाहर को प्रकट करी परिबे एते संभव कि ना अपछरे और किछ बड़ हात रहूची हमरो प्रश्न पचार चंती से प्रश्न रो उत्तर रे मोर जेति कि सीमित ज्ञान अछि केवल इति कहिबी जे डीआरडीओ रो जो तथ्य गुप्त तथ्य से तथ्य को डीआरडीओ रो बहुत ऑफिसर माने भी जानती नहीं तेणु ए ड्राइवर आउ ठिका कर्मचारी ताको पाइबा आदो संभव पर नुहे तेणु एमाने खाली ऊपर ठाउरिया खबर किछि जहाँ संग्रह करती से संग्रह को बोधुए बिक्री करी लाभवान होचंती किंतु असल जो गुप्त तथ्य से गुप्त तथ्य मुझको आउ थे सूचे दूची डीआरडीओ रो बहुत वरिष्ठ ऑफिसर माने भी से तथ्य जानती ना आज अमक मिजाइल फायर होमक कमाण रु गुड़ी फुटब ये कथा समस्ते जानती बालेश्वर रे आउ सबू वेब पोर्टाल आप इनफर्मेसन सब पाइबे आज गुली फायर हो गलापरदिन खबर कागज बाहरी जा सक्सेसफुली आम फायर कलु जिते बड़ बड़ कमाण सब अड़ आसुची चांदीपुर को ट्रक रे लदाई समस्ते देखती तार फोटो भी बहुत लोकों पाखे थाए तेणु से सबू कथा गुप्त तथ्य नुहे जो गुप्त तथ्य एपट सेपट हेले आम देशर जो अच्छी सिक्योरिटी व्यवस्था सी नष्ट हम से प्रकार तथ्य बहुत कम अच्छी चांदीपुर रे एवं जी अच्छी एपरी भाव से अच्छी बहुत सीनियर ऑफिसर भी जानते नहीं ये ड्राइवर आ ठिका कर्मचारी मान विषय कौन कह तेणु मु एकदम दृढ़ निश्चित कौनसी गुप्त तथ्य जो तथ्य आम देश को विपद पकेब सीमितिका तथ्य चोरी हो पार ना एक द्वारा तथापि भी जो तथ्य भी जीव सी जीव कहीं क्राइम ब्रांच उपरे वर्तमान
ଯୋଉ ମାନେ ଲୟାଲ ନ ହେଇକିରି ଆମ ଦେଶର ସେ ଉପର ଠାଉରିଆ ତଥ୍ୟ ହଉ ପଛେ ତାକୁ ଯଦି ବିଦେଶକୁ ବିକିକିରି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡିତ ହବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ସେ ତ୍ରିପାଠୀ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଦୂର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ବାହାର କରିବା, ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା, କୋଉଠି କାହା ସହିତ କେମିତି ଲିଙ୍କ ରହିଛି, ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା, ହନିଟ୍ରାପ୍ରେ ମାନେ କିଏ କେମିତି ପଡ଼ିଲେ ସେ ମହିଳା କିଏ, ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଖରେ କେତେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କେତେ ଦୂର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା? ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିକ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ସଞ୍ଜୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହିସାବରେ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ କଥା ତିନିଟି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏକ, ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଲିଙ୍କ, ଦୁଇରେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସଚିନ, କେବଳ ଆ ଭିତରେ ସଚିନ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଯିଏକି ପୁରା ଘଟଣା ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିଥିଲେ, ନା ସଚିନଙ୍କ ଉପରେ ବି ଆଉ କିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଅନେକ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତ ଏଇ ଘଟଣା ପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଚାରି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉଠାଇ ନେଇଛି, ଏଇ ନେଇ ଆଉ କିଛି ଲିଙ୍କ ରହିଛି କି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କି କିଛି ତଥ୍ୟ? ସଞ୍ଜୟ ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳିମା, ଯେଉଁଭଳି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ଯିଏ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ବେହେରା କଥା ଆସିଲା, ଈଶ୍ୱର ବେହେରା ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ନିକଟରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ଯେଉଁ ମିଜାଇଲ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ହୁଏ, ସେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ସେ ଯାନ୍ତ୍ରିକର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଏହିପରି ସ୍ଥଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଜଣ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ଜଣେ ଜବତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂଚନା ଆସୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ସେ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ନବା ଆଣିବା କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର କେବଳ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ ନବା ଆଣିବା କରୁଥିଲେ ବା କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଥିଲେ ବୋଲି ଇଏ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ କରିଥିଲେ କେମିତି, କିନ୍ତୁ ନା ଆଉ କିଛି ବି ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଦୃଷ୍ଟି ଆଢୁଆଳରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ଏବଂ ରିମାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି, ତେଣୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି କି ଜେରା ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବା ଏ ଘଟଣାର ଲିଙ୍କ କାହାଠୁ କାହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏ ଲିଙ୍କ କେଉଁ ପଟେ ଯାଇ ଲମ୍ବିଛି ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସଞ୍ଜୟ, ରହିଥିଲେ ପ୍ରତିନିଧି ସଞ୍ଜୟ ମାଳିକ, ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ, ରହିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଏବଂ ଆମ ସେଥିରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ନେଇଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ତ୍ରିପାଠୀ। ସମୟ ଅଛି ମତକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।